डिवाइस एज अलाउड बाई दिजर्विंग नहीं किया ऐसा नहीं सभी डायमेंशन में स्केलिंग होगी कितनी स्केलिंग करनी है यह डिपेंड करता है कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो स्केलिंग करते वक्त हमें जो ज्योमेट्रिक रेशियोज बड़े वाले ट्रांजिस्टर यानी पहले जो ट्रांजिस्टर था उसके कंपैरिजन में जो हम न्यू स्केल्ड ट्रांजिस्टर बना रहे हैं तो उनकी ज्योमेट्रिक रेशियोज को प्रिजर्व रखना है सेम रखना है जैसे पहले हमारे मॉस ट्रांजिस्टर में एस्पेक्ट रेशियो अगर टू था तो न्यू मॉस ट्रांजिस्टर में भी एस्पेक्ट रेशियो टू ही रहना चाहिए अच्छा स्केलिंग करते क्यों है द डिजाइन ऑफ हाई डेंसिटी चिप्स इन मॉस वी एल एस आई टेक्नोलॉजी रिक्वायर्स दैट दैकिंग डेंसिटी ऑफ मॉस ट्रांजिस्टर्स यूज इन दर्किट्स इज एज हाई एज पॉसिबल एंड कॉन्सिक्वेंटली दैट द साइज ऑफ द ट्रांजिस्टर्स आर एज स्मॉल एज पॉसिबल अगर आप चिप्स में डेंसिटी जो भी डिवाइसिस की आप डेंसिटी बढ़ाने वाले हो दैट मीन्स आपको ट्रांजिस्टर का साइज तो छोटा करना पड़ेगा इसीलिए हम स्केलिंग करते हैं देखिए जैसे पहले जितना बड़ा आपका कंप्यूटर होता था उससे छोटे हो गए ऐसे ही आप गैजेट्स में भी कंपेयर कर सकते हो कि जो पहले हम टू थाउजेंड्स में यूज कर रहे थे उनके कंपैरिजन में आज देखिए गैजेट्स कितने छोटे हो गए हैं और फंक्शनैलिटी भी बढ़ गई है नाउ लेट्स सी इफेक्ट ऑफ स्केलिंग नंबर वन इट रिजल्ट इन अ रिडक्शन ऑफ द टोटल सिलिकॉन एरिया ऑक्यूपाइड बाय द सर्किट तो एक सर्किट जैसे मान लीजिए आप एस एम पी एस बना रहे हो या फिर कोई मान लीजिए डिजिटल सर्किट आप बना रहे हो जितना एरिया वो पहले ऑक्युपाई कर रहा था चिप में अब उससे कम एरिया लेगा सेकेंड वन इंक्रीजिंग ओवरऑल फंक्शनल डेंसिटी ऑफ द चिप अच्छा फंक्शनल डेंसिटी क्या होगी एक चिप जिस पे मान लीजिए पहले सिर्फ आप एक लॉजिक गेट बना पा रहे थे uh, मान लीजिए एंड गेट बना रहे थे अब क्या हुआ कि आपने जब ट्रांजिस्टर का साइज छोटा कर दिया तो एंड भी बना पा रहे हो नॉर भी बना पा रहे हो यानी कि उसी चिप से आपके आप ज्यादा से ज्यादा फंक्शंस ऑप्टेंड कर पा रहे हो यही बात अभी मैंने गैजेट्स को लेकर के बोली थी कि वही साइज में गैजेट जो है आपको बहुत सारे फंक्शंस दे दे रहा है ठीक है तो इसको बोलते हैं कि फंक्शनल डेंसिटी भी बढ़ गई है थर्ड वन इज द ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉस ट्रांजिस्टर विल चेंज विद द रिडक्शन ऑफ इट्स डायमेंशन है अब आप जब स्केलिंग कर रहे हो तो कुछ ना कुछ मॉस ट्रांजिस्टर के परफॉर्मेंस पर इफेक्ट आएगा वैसे डिजाइनर्स की कोशिश यही रहती है जो वील एस आई डिजाइनर्स हैं कि ऑपरेशन पे फर्क ना आए लेकिन हाँ थोड़ा बहुत चेंजेस आता है या कहीं पर हम जो ट्रेड ऑफ्स होते हैं उनसे बैलेंस कर लेते हैं क्या हम स्केलिंग जितना चाहें उतना हम परफॉर्म कर सकते हैं जितना स्केल डाउन कर दो ऐसा नहीं होता तो अभी थर्ड पॉइंट भी यही चीज बोल रहा है कि जो परफॉर्मेंस होती है वो रेस्ट्रिक्ट करती है यहां पे लिखा है सम फिजिकल लिमिटेशन इवेंचुअली रेस्ट्रिक्ट द एक्सटेंट ऑफ स्केलिंग दैट इज प्रैक्टिकली अचीवेबल तो स्केलिंग उतनी ही होगी जिसमें आपके आपके परफॉर्मेंस ज्यादा इफेक्ट ना हो और कुछ फिजिकल लिमिटेशंस भी होती हैं जो उस टेक्नोलॉजी पर भी डिपेंड करती है ना देर आर टू टाइप्स ऑफ स्केलिंग्स फुल स्केलिंग ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्स्टेंट फील्ड स्केलिंग कॉन्स्टेंट फील्ड मीन्स यहाँ फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कही है इट मीन्स कि हमने स्केलिंग ऐसी की है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी कॉन्स्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रही सेकेंड वन इज कॉन्स्टेंट वोल्टेज स्केलिंग इसमें वोल्टेज जो होती है वो कॉन्स्टेंट रहती है जैसे भी आपको डायमेंशन को स्केल डाउन करना है लेकिन वोल्टेज को टच नहीं करना है वोल्टेज जो पहले आपकी थी

ऑल हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डायमेंशन ऑफ दार्ज साइज ट्रांजिस्टर आर डिवाइड कर रहे हैं टू स्केल डिवाइस लेट्स अंडरस्टैंड दिस एन अंडरस्टैंडल मेरे को नया मॉस ट्रांजिस्टर स्केल डाउन मॉस ट्रांजिस्टर बनाना है जिसकी विथ प्रीवियस वन से हाफ हो अब जोमेट्रिक रेशियो मेंटेन करना है तो लेंथ जो न्यू लेंथ होगी वो भी हाफ हो जाएगी तो यहाँ पे स्केलिंग फैक्टर क्या है Here scaling factor is 2 now it is clear okay here note down that the extent of the scaling that is achievable is obviously determined by the fabrication technology or you can say the minimum feature size minimum feature size is uh, basically the distance between source and drain region Africa a channel length and somewhere it is also defined as the uh, this is the smallest feature size that we can

एंड नीयर अबाउट टू टू थ्री ईयर्स यानी कि टू थाउजेंड ट्वेंटी सिक्स या ट्वेंटी सेवन में यही मिनिमम फीचर साइज ऑलमोस्ट आपका सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स माइक्रोमीटर नीयर अबाउट सेवन माइक्रोमीटर तक हो सकती है तो यहाँ पर पूरी टेक्नोलॉजी दो से तीन साल में चेंज हो रही है सेकेंड पॉइंट इज द डाउन स्केलिंग फैक्टर एस ऑफ द मिनिमम फीचर साइज फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट इज अबाउट वन पॉइंट टू टू वन पॉइंट फाइव तो मैंने यहाँ पे 1.5 का एग्जाम्पल लिया है तो थर्ड वन द प्रोपोर्शनल स्केलिंग ऑफ ऑल थ्री डायमेंशन फोर्थ वन द स्केलिंग ऑफ ऑल डायमेंशन बाय अ फैक्टर एस ग्रेटर देन वन लीड्स टू द रिडक्शन ऑफ द एरिया ऑकुपाइड बाई द ट्रांजिस्टर बाय अ फैक्टर ऑफ एस स्क्वायर जब आप डायमेंशन को एस से रिड्यूस कर रहे हो तो एरिया में कितना रिडक्शन हुआ एस स्क्वायर अच्छा सब डायमेंशन वेरी हो गई स्केल डाउन हो गई एरिया स्केल डाउन हो गया लेकिन डोपिंग डेंसिटीज का क्या हुआ सो द लास्ट पॉइंट रिडक्शन ऑफ की डायमेंशन ऑन अ टिपिकल मॉस्फेट फेट टूगेदर विद द करस्पॉन्डिंग इंक्रीज ऑफ द डोपिंग डेंसिटीज डोपिंग डेंसिटीज उसी फैक्टर से इंक्रीज कर जाती है इस डायग्राम को देखिए यहां पे विथ स्केल डाउन हुई थिकनेस ऑफ ऑक्साइड भी स्केल डाउन हुई लेंथ भी स्केल डाउन हो गई लेकिन डोपिंग डेंसिटीज ये अप हो गई सेम एस फैक्टर से ये आपका देखिए मल्टीप्लाइड हो रहा है तो डोपिंग डेंसिटीज इंक्रीज होती है डायमेंशन रिड्यूस होता है इसको ध्यान रखना है क्योंकि आगे हम फुल स्केलिंग एंड कॉन्स्टेंट वोल्टेज स्केलिंग इसको पढ़ेंगे तो ये जो पॉइंट ये है इसको यूज करना होगा तो ये सिर्फ अभी मॉस स्केलिंग का इंट्रोडक्शन है अभी हमें डिटेल में पढ़ना है दोनों स्केलिंग्स पढ़नी उनके कंपैरिजन करने हैं आगे आने वाली वीडियोस भी इतनी ही इंपॉर्टेंट होगी तो उसको देखना मत भूलिएगा एंड uh, आपकी कोई भी क्वेरीज हो आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में, में मेंशन करिए मैं जरूर रिप्लाई करूंगी थैंक यू सो मच हैव अ नाइस डे